हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमने जो वर्ड VBA का जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, तो उसके हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। जो आज का हमारा जो लेसन होने वाला है, बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को हम मर्ज करने वाले हैं। एक या एक से दो या दो से ज़्यादा अगर हम डॉक्यूमेंट है हमारे पास वर्ड में, तो हम उस उन वर्ड डॉक्यूमेंट को हम जो है कैसे मैच करेंगे, उस पर जो है आज हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने कोडिंग विंडो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास तीन सैम्पल फाइल्स हैं। ये वाला फाइल हमारा कोडिंग वाला जिसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड रेस्ट थ्री फाइल्स, बुकमार्क, टेस्ट एंड अपडेट बुकमार्क्स। इन तीनों हम डॉक्यूमेंट को मर्ज करेंगे आज वर्ड VBA में, राइट। तो सबसे पहले मैं प्रोसीजर जो है डिक्लेयर कर लेता हूँ। सब प्रोसीजर मैं मर्ज वर्ड डॉक्यूमेंट, राइट। सो आपको कुछ वेरिएबल्स लेने होंगे फाइल को पिक करने के लिए। मैं बोलूँगा डिम फाइल डायलॉग एज फाइल, सॉरी फाइल डायलॉग, राइट। और जो हम फाइल सेलेक्ट करेंगे उसमें, उसके लिए भी हम कुछ वेरिएबल ले लेंगे। मैं पहले इसको सेट FLD इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग। सो यहाँ पे हम पिक करने वाले MSO फाइल डायलॉग ओपन, ये वाला विथ FLD एंड विथ, राइट। सो इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम जो है इसका जो फिल्टर्स जो भी लगे होंगे फाइल में, फिल्टर्स डॉट क्लियर कर देंगे। ये हमारा क्लियर का मेथड है। उसके बाद डॉट हम अलाउ जो होगा मल्टी सेलेक्ट इज इक्वल टू हम ट्रू कर देंगे, यानी मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करें। डॉट टाइटल, टाइटल में हम इसको दे देंगे काइंडली सेलेक्ट वर्ड डॉक्यूमेंट टू मर्ज, राइट। फिर उसके बाद हम जो फिल्टर्स होगा फिल्टर्स ऐड कर देंगे। डॉट फिल्टर्स डॉट ऐड, ऐड हमें डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, हमें लिखना है वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट्स हमने लिख दिया डिस्क्रिप्शन में। और एक्सटेंशन में हम क्या दे देंगे यहाँ पे, .doc, राइट। ये हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा। और उसके बाद हम चेक करेंगे जब हमारा जो फाइल डायलॉग्स जो ओपन वाला जो फाइल डायलॉग्स जो ओपन होगा, क्या यूज़र ने उसको सेलेक्ट किया है या नहीं किया। उसके लिए भी हम डॉट शो इज इक्वल टू -1 देन एंड इफ एल्स, मैसेज बॉक्स में हम डाल देंगे मैसेज बॉक्स सॉरी नो वर्ड डॉक्यूमेंट इज सेलेक्टेड एंड सबोर्टिंग, राइट। ये मैसेज बॉक्स हमें तब देगा यूजर को जब वो फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करके कैंसिल कर देता है, कोई फाइल सेलेक्ट नहीं करता है। इन केस अगर उसने फाइल सेलेक्ट कर रखी है, तो जो हमने फाइल उसने सेलेक्ट किया मल्टीपल, उसको कैप्चर करने के लिए मैं एक और ले लूँगा वेरिएबल डिम वर्ड फाइल्स, लेट्स से सेलेक्ट अंडरस्कोर फाइल्स फाइल डायलॉग सेलेक्टेड आइटम्स, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे जो इनिशिएट कर दूंगा सेलेक्ट फाइल्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ सेलेक्ट फाइल इज इक्वल टू, हम यहाँ पे बोलेंगे डॉट सेलेक्टेड आइटम्स, राइट। ये हमने बोल दिया यहाँ पे। लेट से अगर मैं इसको यहाँ पे अभी रन करता हूँ, मैंने ओपन किया लेफ्ट हैंड साइड सेट,
अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कैंसिल पर क्लिक करता हूँ तो सॉरी नो व्हाट डॉक्यूमेंट इज सिलेक्टेड हैंस अबॉटिंग राइट। अब मैं इसके लिए होगा जब यूज़र फाइल सेलेक्ट करेगा तो ओबियसली हमें एक पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करनी होगी वर्ड डॉक्यूमेंट की, तब उसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स मर्ज किए जाएंगे। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा डिम न्यू वर्ड एप एस वर्ड डॉट एप्लीकेशन, ये उसके लिए हो गया हमारा एप्लीकेशन के लिए न्यू वर्ड एप्लीकेशन के लिए डिम न्यू डब्ल्यू डी डॉक एस वर्ड डॉट डॉक्यूमेंट जो नया डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे राइट, ये उसके लिए हो गया। हम बोलेंगे यहाँ पे सेट न्यू वर्ड एप इज इक्वल टू न्यू स्पेस एप्लीकेशन डॉट न्यू वर्ड डॉट एप्लीकेशन, ये हो गया। फिर उसके बाद हम जब हम उसको नया इंस्टेंस देंगे तो हम उसको विजिबल कराएंगे डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, और जो हमने ऊपर जो न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको भी हम जो इनिशियलाइज कर देंगे न्यू वर्ड डॉक इज इक्वल टू, हम यहाँ पे बोलने वाले हैं न्यू वर्ड ऐप डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट ऐड राइट। नया डॉक्यूमेंट जो होगा ऐड हो जाएगा। फिर हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे अब जो है लूप चलाने वाले हैं। वी विल लूप लूप ऑल द सेलेक्टेड वर्ड फाइल्स राइट। लूप के लिए मैं क्या करूँगा, एक जो है वो वेरिएबल ले लूँगा, मैं बोला डिम काउंटर एज लॉन्ग काउंटर इज इक्वल टू वन, हमने इनिशियलाइज कर दिया वन से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे फॉर काउंटर इज इक्वल टू वन टू न्यू सॉरी वन टू सेलेक्टेड फाइल्स डॉट काउंट, यानी जितनी फाइल सेलेक्ट की हैं उसने वहाँ तक काउंट इसको वहाँ तक लूप चलेगी। अभी वहाँ तक लूप चलने के बाद अब हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं बेसिकली, अब हम इसमें यहाँ पे जो हमने नया डॉक्यूमेंट जो हमने इनिशियलाइज किया ऊपर, तो हम उसको सबसे पहले बोलेंगे लेट्स मर्ज, जो हमने ऊपर जो नया डॉक्यूमेंट इनिशियलाइज किया उसको पहले हम एक्टिवेट करेंगे डॉक डॉट एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद जो हमारा न्यू वर्ड ऐप होगा डॉट सेलेक्शन डॉट सेलेक्शन डॉट एंड की यानी सबसे लास्ट में जाए, और यहाँ पे यूनिट होती है डब्ल्यू डी स्टोरी हमें लेना होता है। डब्ल्यू डी स्टोरी बेसिकली उसके लिए होता है जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे आते हैं तो उसके लिए हम जो स्टोरी लेते हैं राइट। तो बेसिकली क्या करेगा, जब भी आपका न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट एक्टिवेट करेगा तो सबसे पहले एंड जाएगा, एंड यानी एंड कैसे जाएगा, तो आप डायरेक्टली उसको एंड का कमांड नहीं दे सकते, उसको आपको ये लिखना होगा यूनिट यूनिट मतलब कितने यूनिट जाए वो नीचे एंड तक, डब्ल्यू डी स्टोरी होता है जो आपको लास्ट में ले जाएगा इसको ठीक है राइट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बोलना होगा न्यू वर्ड ऐप डॉट सेलेक्शन सेलेक्शन डॉट टाइप पैरामीटर पैराग्राफ सॉरी, इसका मतलब क्या है, जब आपका लास्ट में आ जाओगे एकदम तो आपको क्या होगा वहाँ पे एंटर मारना होगा टाइप पैराग्राफ, बेसिकली आप एंटर प्रेस करते हो। तो आपने यहाँ पे बोला न्यू वर्ड ऐप डॉट सेलेक्शन सेलेक्शन डॉट इंसर्ट फाइल का जो हमारा इसमें एक मेथड है इंसर्ट फाइल स्पेस फाइल नेम, फाइल नेम में आप क्या देने वाले हो, ओबियसली जो आप आपकी जो लूप से जो फाइल आ रही है सेलेक्टेड फाइल्स काउंटर राइट, ये वाली फाइल जो होगी आपकी इसमें अभी मर्ज करोगे, जो आपकी जो न्यू फाइल जो इंस्टेंस क्रिएट होगी उसमें आप जो हो मर्ज करोगे इसको ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास आ गया अभी हमको क्या करना होगा यहाँ पे, अभी जब नया डॉक्यूमेंट आएगा तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना होगा, यानी जब एक नया फाइल पाथ हमें देना होगा इसमें
dim file underscore path as string, right? तो उसके बाद हमें क्या करना है, डिलीट इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है, जब मान लीजिए जब आपका वर्ड डॉक्यूमेंट मर्ज हो जाए, जब आप इसको सेव करने जा रहे हो, तो जिस लोकेशन पे आप सेव कर रहे हो अगर वहाँ पे ऑलरेडी उसी नाम से पड़ी होगी तो आप इसको क्या होगा, डिलीट कर दोगे। इसका मतलब ये है, जब आप इसको फर्स्ट टाइम डिलीट करोगे ऑब्वियसली आपको वहाँ पे फाइल वाइल नहीं मिलेगी, तो आपको एरर देगा। तो इसको एरर ना दे तो इस वजह से आप है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट कर देना। vbn डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट फाइल। इसके बाद आप स्पेस दे दीजिए, मान लीजिए आपके पास, आपको यहाँ पे सेव करना है डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे आके आप मर्ज डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, राइट। इसको मैं पहले जो है डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गया है ये। देन आपको जो होगा एरर रीसेट करना होगा, ऑन एरर गो टू 0, फिर उसके बाद क्या करना होगा, सेव द डॉक्यूमेंट। सेव द डॉक्यूमेंट करेंगे फिर उसके बाद न्यू वर्ड डॉक जो आपने एक मर्ज किया है, सेव एस टू में आपका जो पाथ होगा जहाँ पे आप सेव कर रहे थे डेस्कटॉप पे, वहाँ पे आप जो है सेव कर सकते हो उसको, राइट। उसके बाद जब आपने सेव कर लिया फिर उसके बाद जो हो गए आपकी जो टास्क होगा ओवर हो जाएगा, देन यू हैव टू क्लियर ए मेमोरी। क्लियर मेमोरी मीन्स जो आपका न्यू वर्ड ऐप है डॉट क्विट कर देना उसको, सेट न्यू वर्ड डॉक इज इक्वल टू नथिंग, राइट। तो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, मैं आपको समझा देता हूँ। वेरिएबल डिफाइन यूनिट, ओके हाइफन मिसिंग है, सॉरी इज इक्वल टू। तो बेसिकली सबसे पहले हम एक यूज़र को अलाउ करेंगे कि वो मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करे, अगर नहीं सेलेक्ट करता तो बेसिकली आपका क्या होगा, सॉरी इसमें यहाँ पे आपको एग्जिट सब आगे ना जाए, राइट, वहीं से बाहर आ जाए। तो उसके बाद जब फाइल को हमें मर्ज करना होगा ऑब्वियसली हमको एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, उस डॉक्यूमेंट के लिए हमने इंस्टेंस क्रिएट किए हैं। फिर जब उसके जितने भी मल्टीपल फाइल्स होंगी वो सेलेक्ट करेगा, लूप करेगा उनके फाइल्स पे, वन बाय वन लूप करेगा, और जहाँ तक वो फाइल का उसका कंटेंट होगा वहाँ तक क्या करेगा, वो कॉपी करके नीचे उसके इंसर्ट कर देगा, राइट। तो इस तरह से जो होगा मर्ज हो जाएगा, और जब पहले जब हम इसको सेव करेंगे तो हम चेक करेंगे कि वहाँ पे ऑलरेडी फाइल तो एग्जिस्ट नहीं करती, अगर एग्जिस्ट है तो उसको डिलीट कर दीजिए, फिर उसके बाद दोबारा फ्रेश सेव कीजिए, राइट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ अपने कोड को। कोड को मैंने रन किया, मैं यहाँ पर आ गया अपने ड्राइव में, वर्ड वी वी में ये फाइल, मेरे पास थ्री फाइल्स को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद आप चेक करोगे यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट, देख रहे हो आप मर्ज हो रहा है यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ये डॉक्यूमेंट हमारा मर्ज होके सेव हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ आपको दिखाऊँ तो आप देखोगे वहाँ पर मेरे पास फर्स्ट मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ से यहाँ तक था, फर्स्ट पेज हो गया, सेकंड पेज हो गया, और यहाँ से यहाँ तक पूरा थर्ड पेज हो गया ये, राइट। तो इस तरह से जो है डॉक्यूमेंट आप जो है मर्ज कर सकते हो वीवी में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करके इसको मैं
कैंसिल कर दूँ तो बेसिकली आपको मैसेज आ जाएगा, सॉरी नो वर्ड डॉक्यूमेंट इज सिलेक्टेड हैंड सपोर्टिंग, राइट। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो इस कोड को। मैं ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन सॉरी आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से कोड को कॉपी कर लीजिएगा। और इस वीडियो में फ़िलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन यू स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।